इसको कोई भी रोल दिया गया, कोई भी काम दिया गया, इसने सबसे पहले आकर उस अपने दिए गए काम को पूर्ण किया है। जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए। आशदीप, दोनों ने सुग्रीव और पाली का रोल किया, हनी ने श्रवण का रोल भी किया और इसके साथ रोल में कैलाश चंद्र जी, जोरदार तालियां बजाता अमन कंकर, दिनेश राणा, कुंभकर्ण, अजीत झा से निवेदन करूंगा और पहले भी इन्होंने 1,000 का दान अपनी पॉकेट मनी से दिया है। 9 दिन की रामलीला राज तिलक के साथ समाप्ति की गई। हमारे साथ इस वक्त नवयुग रामलीला कमेटी, दशहरा कमेटी के डायरेक्टर प्रदीप जी मौजूद है। प्रदीप जी क्या कहना चाहेंगे? जय श्री राम। प्रभु श्री राम की कृपा से और राम भक्तों के सहयोग से आज लीला का राज तिलक के बाद समापन किया गया। हम प्रभु श्री राम के तह दिल से स्वागत करते हैं। कैसा रहा कोविड में, किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा? कोविड वार्ड मेरे लिए तो बिल्कुल पॉइजन के माफिक लग रहा है। रीज़न ये कि जहां चंडीगढ़ प्रशासन की 400-300 की एवरेज आ रही थी, ये जब से प्रभु श्री राम की लीला आरंभ की गई है, प्रभु श्री राम का इतना जो है घोष किया गया, अब जो चंडीगढ़ प्रशासन की कोविड-19 की फिगर है वो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, 40-45 के बीच में रह गई है और मुझे लगता है दिवाली तक ये कोविड-19 आगे आगे भागेगा और हम अगले वर्ष जोरदार प्रभु श्री राम का मंचन करेंगे। गोविंद जी क्या कहना चाहेंगे? पहले तो सभी देशवासियों का, चंडीगढ़ निवासियों का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने हमारा इस कोविड के दौर में हमारा साथ दिया। प्रशासन का भी धन्यवाद करूंगा जिन्होंने हमको रामलीला मंचन करने की अनुमति दी। मैं चंडीगढ़ के सेक्टर 7 के निवासियों का भी धन्यवाद करूंगा जिन्होंने हमारा को पूरा सहयोग दिया और हम आज राज तिलक करके सुख शांति से बिना कोई विघ्न से प्रभु राम की चरणों में हम उनकी लीला कर पाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे कमेटी के अध्यक्ष भी मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे? मेरे को बहुत खुशी है कि इस बार बहुत ही अच्छे तरीके, अच्छे ढंग से हमारी रामलीला समापन हुई है। जय श्री राम। रावण का रोल कर रहे मोहित जी से भी जानना चाहेंगे कोविड-19 का किस तरीके का जी। आज सब कुछ संपन्न हो चुका है तो मुझे खुशी बहुत है कि हमारे रामलीला में जो भी हमने कार्य किए हैं बड़ी सफलतापूर्वक किए गए हैं। दुखी भी इस चीज़ की हो रही है कि हमें प्रभु श्री राम के लिए 10 दिन मिलते हैं, 10-11 दिन मिलते हैं जो हम बड़ी मेहनत से लगन से काम करते हैं और ये जो हमारा समय है 10 दिन का ये ख़त्म हो गया है आज। तो हमें मतलब इस चीज़ का बड़ा दुख होता है कि हमें सेवा का और भी मौका मिले तो ये जो 10 दिन होते हैं हमारे कब बीत जाते हैं हमें इस चीज़ का पता ही नहीं लगता। पर हमें खुशी बहुत है इस चीज़ की कि कोविड-19 के चलते हुए ये हमारा जो कार्यक्रम है बड़ी सफलतापूर्वक हुआ। सोशल डिस्टेंसिंग लोगों ने मेंटेन रखी, हैंड सैनिटाइज करके थर्मल स्कैनर का हमने जो प्रबंध किया था लोगों ने उसको अच्छे से फॉलो किया, जो हमारी स्टेज की और हमारे कलाकार और हमारे जितने भी मेंबर्स हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी बात रही है जी। हाँ, मैं रावण का एक छोटा सा डायलॉग बोलना चाहूँगा। मुत्सा पंडित मुत्सा योद्धा हस विश्व में ना दूजा है, अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। कर जाएंगे यदि बुजदिल हर काम को तो कौन जानेगा इस दुनिया में रावण के नाम को। जय शंकर जय शंकर जय शंकर। थे हमारे साथ मोहित जो कि रावण का रोल अदा कर रहे थे और यहाँ पे मंच संचालन भी 9 दिन से लगातार करते आ रहे। सर क्या नाम है आपको? मेरा नाम HC गेरा है और मैं स्वयं मीडिया से हूँ और मैं पिछले 10 दिन से मंच का संचालन कर रहा हूँ। चंडीगढ़ प्रशासन की मैं गाइडलाइंस कोविड के बारे में कम से कम 15 या 20 बार इस संचालन के दौरान मैं प्रतिदिन करता रहा हूँ। क्योंकि मेरा संबंध वायरस से है, मैंने खुद वायरस पे काफ़ी रिसर्च और काम किया है, इसलिए मैं जानता हूँ। बड़ी खुशी की बात है
कि हमारे जितने भी कलाकार हैं जिन्होंने यहाँ पे रोल अदा किए हैं और जो भी देखने आए हैं, यहाँ से किसी के पॉजिटिव होने की अभी तक खबर नहीं मिली है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। और इसके साथ मैं ये भी मानता हूँ कि जिस तन्मयता से हमारे कलाकार और निर्देशक के दिशा निर्देश के हिसाब से काम कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है। मैं अगली बार चाहूँगा इससे बड़ा भव्य आयोजन होगा और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि कोविड जैसी वैश्विक महामारी दोबारा नहीं होगी। जय श्री राम जी। हमने बहुत ही कम समय में जो इतना बड़ा कार्य किया है वो सारी हमारी टीम को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। बस दुख इस बात का कि इस बार दशहरा नहीं कर पाए, उसके लिए बहुत कोविड की वजह से नहीं कर पाए, उसका हमें बहुत अफसोस है। जय श्री राम जी। मैं एडवाइजर रविंद्र भारद्वाज, मैं जितने भी अपने कलाकार हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सब ने बड़ी कोऑपरेशन से और बड़े प्यार से इस बहुत ही जो हमें बहुत थोड़े समय में सारा करने का योजन हुआ है और सब ने रल मिल के सारा काम किया है, मैं उस भगवान श्री रामचंद्र से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आगे भी यही परमात्मा से रामचंद्र से विनती करता हूँ कि इससे भी अच्छा हमारा आयोजन हो। जय श्री राम। मैं ईश शर्मा, कोषाध्यक्ष नवयुग रामलीला दशहरा कमेटी से। पिछले 2 साल से मुझे कोषाध्यक्ष बनाया गया है। पहले तो मैं अपने मीडिया कर्मचारी भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस चंडीगढ़ में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के कोने कोने में हमारे नवयुग का नाम रोशन किया और वहाँ तक पहुँचाया। तो एक बार मैं चाहूँगा कि इनके लिए ज़ोरदार तालियाँ हो जाएं। और दूसरा मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे प्रधान जी जिन्होंने हर समय हमें हिम्मत दी, इतने मुश्किल समय भी, कि नहीं हम करके रहेंगे और पैसे की धन की आपने चिंता नहीं करनी है, धन हो जाएगा। जबकि शुरू में बड़ा मुश्किल था और हमारे डायरेक्टर साहब और हमारे जितने भी आदरणीय एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं और जितने मेरे प्यारे छोटे भाई हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मुझे इस कोविड के माहौल में और जैसे हमें 4 दिन पहले रामलीला की परमिशन मिली तो उससे मुझे एक कहानी याद आती है रामायण की। तो हम बात करते ही हैं रामलीला में कि अब मैं महाभारत की एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूँ। कौरव और पांडव थे, पांडव 5 भाई थे। जब उनको निकाल दिया गया तो उन्होंने बहुत सारे साधुओं के लिए लंगर की व्यवस्था कर ली कि इनको भोजन खिलाया जाएगा। पर जब द्रौपदी ने अंदर जाकर देखा तो चावल का एक दाना ही था अंदर। तो कृष्ण जी ने उनको बोला कि आप चिंता मत कीजिए, आप उसमें से चावल निकालते रहिए और खाना बनता रहेगा। वो चावल कभी ख़त्म नहीं हुए और खाना बनता रहा। ऐसा ही हमारे पास धन नहीं था, एक 500 रुपये से शुरुआत हुई और धन की कमी नहीं आई। ये थे हमारे साथ नवयुग रामलीला दशहरा कमेटी के सदस्य जिन्होंने कोविड-19 के नियमों की पालना करते हुए 9 दिन की रामलीला राज तिलक के साथ समापन की। चंडीगढ़ से कैमरामैन रवि यादव के साथ अजीत कुमार झा की रिपोर्ट।